हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भाइयों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना और साथ में वीडियो भी लाइक कर देना अगर पसंद आए तो, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स है। देसी हिप हॉप सीन में ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है पर इंटरनेशनल में काफ़ी अनाउंसमेंट्स हो रही है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ MC हीम के बारे में। तो MC हीम की तरफ से कल एक स्टोरी आई है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा लिखा, स्टैम्प पेपर है और उस पर लिखा हुआ है साइंड। तो क्या MC हीम जो है वो किसी लेबल से साइन हो चुका है। तो आगे कुछ अगर अपडेट आती है इससे रिलेटेड तो मैं आप लोग को बता दूंगा। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो बादशाह की साइड से है। तो जैसे कि बादशाह ने 2 ट्रैक्स निकाले थे एड मेम्बा में से, तो तीसरा ट्रैक भी देखने को मिल सकता है। तो बादशाह की तरफ से एक पोस्ट आई है जिसमें उन्होंने लिखा है, इट्स नॉट अ नेम ऑफ अ सॉन्ग, आई एम आस्किंग यू वॉन्ट मोर। तो देखते हैं तीसरा ट्रैक कब तक सुनने को मिलता है। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो बोहेमिया की साइड से है। तो बोहेमिया और लेस डेट्रॉइट का कोलैबोरेशन कंफर्म हो चुका है। तो आज KDM की तरफ से ये पोस्ट आई थी, आप लोग देख सकते हो। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो जीवन की साइड से है। तो जीवन की जो EP है, बताने की जरूरत नहीं, उसका एक और ट्रैक रेडी हो चुका है और इसका नेम है वॉक इन माई शू। अगली खबर जो है वो लोका की साइड से है। तो लोका की EP ड्रॉप हो चुकी है जिसका नेम है मस्ती नहीं भाई से। लेकिन जब लोका ने इस EP की अनाउंसमेंट करी थी तब इसमें थे 4 गाने और 3rd नंबर पे जो था जिसका नेम था पंजाब की बिल्लो Part 2, वो ट्रैक इस EP में नहीं है। लेकिन उसके बजाय दूसरा ट्रैक है जिसका नेम है बॉलीवुड पार्टी, उसको ऐड करा गया है। तो अब ये क्यों किया गया है ये खुद लोका बता सकते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जाके ज़रूर सुनना। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो डिवाइन की साइट से है। तो डिवाइन ने एक स्टोरी डाली अपने इंस्टाग्राम में और उसमें उन्होंने टैग करा है स्टाना बीट्स को और एक शेफ वाला इमोजी है। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो किंग की साइट से है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि माइकी जो है किंग के मैनेजर, उन्होंने अनफॉलो कर दिया किंग को इंस्टाग्राम से, पर अभी किंग ने भी उनको अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम से। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो MC स्टैन की साइट से है। तो MC स्टैन का एक अनरिलीज ट्रैक सुनने को मिला है जिसका नाम है पापा की परी। तो अगर आप लोग ये सुनना चाहते हो तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके सुन सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं सिद्धू मूसेवाला के बारे में। तो सिद्धू मूसेवाला की तरफ से कल रात को एक पोस्ट आई थी जिसमें उन्होंने लिखा था, मूस टेप इज मोर देन म्यूजिक, इट्स अ मूवी, बी हियर 8 AM। तो अभी कुछ ही देर पहले मूस टेप का एक ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिला है, तो आप लोग भी ये जाके चेक कर सकते हो और कैसा लगा आप लोगों को बताओ नीचे। तो अब कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ लिल नेस एक्स के बारे में। तो अभी इनका एक ट्रैक आउट हुआ था मोंटेरो के साथ में जिसका नेम था कॉल मी बाय योर नेम। तो ये जो ट्रैक है इसने 300 मिलियन स्ट्रीम्स क्रॉस कर दिए हैं स्पॉटिफाई पे। तो अब बात कर लेते हैं जे कोल के बारे में। तो फाइनली जे कोल ने उनकी एल्बम अनाउंस कर दिया जिसका नेम है द ऑफ सीजन और ये देखने को मिलने वाली है 14 मई को। तो पोस्टर आप लोग की स्क्रीन पर वेट कर सकते हो उसके लिए। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो डॉन टॉलिवर की साइड से है। तो इनका भी एक ट्रैक आउट हो चुका है जिसका नेम है व्हाट यू नीड और ये म्यूजिक वीडियो के साथ देखने को मिलेगा उन्हीं के यूट्यूब चैनल से, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब बात कर लेते हैं पॉप स्मोक के बारे में। तो पॉप स्मोक के जो मैनेजर है रिको बीट्स, उनकी तरफ से एक पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि पॉप स्मोक की जो एल्बम है वो काफ़ी जल्दी देखने को मिलने वाली है और कुछ ऐसा लिखा है उन्होंने, आई सी एंड हियर एवरीथिंग, कीप्ड इट कूल दो, नो वरीज, पे बैक अराउंड द कॉर्नर, पॉप स्मोक न्यू एल्बम लोडिंग। तो काफ़ी लोग इसके लिए एक्साइटेड होंगे। तो क्या कहना है आप लोग का इस अपडेट के बारे में नीचे कॉमेंट्स में बताना। तो इसी के साथ मिलता हूँ आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।